मित्रों, मेरे प्रपत्र का विषय है प्रवासी हिंदी कहानी संवेदना और शिल्प। प्रवासी साहित्य का संबंध प्रवासी लोगों द्वारा लिखे गए साहित्य से है। यह साहित्य उन लोगों द्वारा लिखा गया जो विदेश जाकर वहीं बस गए। विषय और शिल्प की दृष्टि से साहित्य को लेकर भारत एवं विदेश में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। भौगोलिक दूरियां आज के युग में इतनी नियामक नहीं रह गई हैं। यदि हम प्रवासी साहित्य में कहानी विधा पर विचार करते हैं तो एक बात मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है कि इनकी कहानियां अपने युग की संवेदना से साक्षात्कार करते हुए उसके यथार्थ को प्रतिष्ठित करती हैं। निर्मल वर्मा, उषा प्रेमदास, कृष्ण बल वैद्य, सोमा वीरा, उषा राजे, सुषम बेदी, तेजेंद्र शर्मा, सुनीता जैन, डॉक्टर अनिल कुमार, प्रभा कुमार आदि जैसे कथाकारों ने विदेश प्रवास से संबंधित अनुभवों पर सशक्त कहानियां लिखी हैं। कथाविम, कथादेश, सारिका, हंस आदि अनेक पत्रिकाओं में प्रवासी हिंदी कथा साहित्य समय समय पर प्रकाशित होता रहता है। मित्रों, साहित्य में संवेदना का कोरी एंद्रित चेतना से बिल्कुल अलग है। साहित्य के संबंध में हम जिस संवेदना की बात करते हैं वो जैविक नहीं मानवीय होती है। उसका संबंध समस्त मानवीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति एवं जीवन दृष्टि से होता है। वर्तमान समय में कथ्य और शिल्प के धरातल पर हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। प्रवासी हिंदी कहानियां भी हमारे सामाजिक जीवन परिवेश के महत्वपूर्ण पक्ष को उद्घाटित करती हैं। प्रवासी कहानियों का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इन कथाकारों ने प्रवासी जीवन की विसंगतियों, समस्याओं एवं दबावों को बहुत गहराई से महसूस किया है। कथ्य और शिल्प के धरातल पर उनकी संवेदिता अर्थात सेंसिबिलिटी को एक नई दिशा मिली है। जीवन यापन पद्धति, सोच, संस्कार एवं समस्याएं इन कहानियों के केंद्र बिंदु हैं। ये कहानियां अपने बहुआयामी संदर्भों और आयामों में आज एक ललित विधा ही नहीं एक गंभीर बौद्धिक विमर्श की विधा है। यह गंभीर बौद्धिक विमर्श इसलिए संभव और आवश्यक हो गया है कि भूमंडलीकरण के तहत ग्लोबल विलेज की परिकल्पना ने उपनिवेशवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। हम अब संस्कृति के हमले से इतना घबरा गए हैं कि आज मूल्यों की रक्षा और बचाव के लिए प्रयत्न और शब्द तलाशने लगे हैं। मित्रों, समलैंगिकता की समस्या को आधार बनाकर डॉक्टर अनिल प्रभा कुमार ने दीवार के पार कहानी लिखी है। आज भी भारत जैसे देश में इस बात पर चुप्पी साध ली जाती है। आए दिन अखबारों और टेलीविजनों में समलैंगिक रिलेशन को स्वीकार या अस्वीकार की स्थिति में हम पाते हैं। वर्तमान समय में एक समस्या या सामाजिक संकट है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए विवश कराता है। ऐसे विषय पर लेखिका ने अपनी संवेदना व्यक्त की है जो अखबारों और टेलीविजन के लिए एक नया मसाला और सुर्खियां बन जाता है। निष्ठा का उल्लंघन, समलैंगिकों के प्रति घृणापूर्ण अपराध, पक्षपातपूर्ण धमकाना, कानून का पता नहीं, किन किन श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ समलैंगिक अधिकारों की पैरवी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा की मांग आदि आदि जैसे समस्या को अनिल प्रभा कुमार जी ने अपनी कहानी दीवार के पार में व्यक्त किया है। मित्रों, दूसरी बात, कहानीकारों की दृष्टि में भारतीय एवं पश्चिमी सामाजिक संरचना में आए एक बड़े भारी बदलाव की ओर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। वह है परिवार की वृद्धावस्था की समस्या। देश के प्रत्येक अंचल के कथाकार इस विषय पर कहानी लिख रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर वृद्धावस्था की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज आयु तो बढ़ी है किंतु उसके साथ एकाकीपन का दंश भी बढ़ा है जो उनकी असहायता और निरुपायता का बोध कराता है। तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी खिड़की इस समस्या को बखूबी उजागर करती है। आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने समाज में अपनी जगह बना ली है। विदेश हो या भारत, कहीं भी यह समस्या देखी जा सकती है। मित्रों, एक बात यह भी है कि आज विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बोलबाला है। डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की कहानी मानसी इन वंडरलैंड भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान विदेशों में कराती है। मानसी जैसी लड़की अपने मानवीय गुणों से संपन्न होने के कारण
अनेकों युवाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण साबित होती है। वहीं जेम्स के रूप में एक ऐसे युवा की भूमिका लेखिका ने प्रस्तुत की है जो मेधावी होते हुए भी भारत की खिल्ली उड़ाता है। मित्रों, जब दीवार के पार, खिड़की, मानसी इन वंडरलैंड कहानी का अवलोकन किया गया तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि इन कहानियों की संवेदना प्रेषित करने में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कथ्य के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति पाती चली जाती है। इन कहानियों की भाषा ने जीवन के अधिक निकट लाकर उसकी सहजता और स्वाभाविकता की संप्रेषण क्षमता को एक नए रूप में विकसित किया है। कहानी का कथ्य मन की परतों को स्पर्श करता हुआ पाठकों के समक्ष बड़ी सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट होता चला जाता है। यह भाषा के कारण ही संभव हो पाता है। अर्थसंगत सुंदर शब्दों के प्रयोग से भाषा को सहज सौंदर्य भी प्राप्त होता है। इन कहानीकारों ने नए नए विशेषणों की रचना, नई क्रियाएं और क्रिया विशेषणों आदि के प्रयोग भी किए हैं, जिससे भाषा के सौंदर्य और शक्ति को बढ़ावा मिला है और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। इन सभी कथाकारों ने अपनी एक नई भाषा गढ़ी है। प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने अर्थ संवेदना को विस्तार दिया है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। वह दिमाग के डिब्बे में बंद हजारों प्रश्नों के ढेर में से इस एक प्रश्न का उत्तर ढूंढती है। अंत में कहना ना होगा, प्रवासी हिंदी कहानी संवेदना के धरातल पर जहां कथ्य को विस्तार देती है, वहीं इसका शिल्प आकर्षक और समृद्ध है। ये कहानियां पाठकों को एक नई ताजगी का एहसास कराती है। धन्यवाद।